तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू टेक अनबॉक्सिंग पे। आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ HP का FQ2076TX। सो गाइस, चलिए देखते हैं इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है और कैसा इसका लुक है और इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। सो गाइस, वीडियो का लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए और शेयर करिए। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15S FQ2076TU मॉडल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं FQ2076TU मॉडल है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन है कोर i5 11th जनरेशन प्रोसेसर, 1135G7 प्रोसेसर है, 512GB SSD है, साथ ही 8GB रैम है, 15.6 इसका स्क्रीन साइज है, जिसमें फुल HD 250 नीट्स विंडोज 11 है। 3 सेल का बैटरी इसमें मिल जाता है जो कि 41 वाट का इसमें आपका बैटरी है। साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है एमएस ऑफिस होम एंड स्टूडेंट जो कि 1 साल के लिए है। इंटेल इनसाइड इसमें आपका प्रोसेसर है। सो गाइस, अगर मैनुफैक्चरिंग की बात करें तो अक्टूबर 2021 का मैनुफैक्चरिंग है और MRP जो है वो 67,000 के अप्रॉक्स इसका जो है MRP है। तो यहाँ पे आप मॉडल देख सकते हैं 15S2076TU इसका आपका मॉडल है। साथ ही यहाँ पे विंडोज़ 11 है, यानी कि ये विंडोज़ 11 के साथ है और ये जस्ट रिसेंटली लॉन्च इसका जो है ये आपका लैपटॉप है। सो गाइस, चार्जर डब्बा का अनबॉक्स करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है एक चार्जर जो कि 65 वाट का इसमें आपका चार्जर है, यानी कि फास्ट चार्जिंग है जो कि स्मॉल पिन के साथ आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको स्मॉल पिन मिल जाता है यहाँ पे। साथ ही इसमें अगर आपका एक पावर केबल मिल जाता है और साथ में यहाँ पे कुछ सेटअप इंस्ट्रक्शंस मिल जाता है। सो अगर गाइस इसकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो अप्रॉक्स 1.5 घंटा का इसका चार्जिंग टाइम है और अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो अप्रॉक्स 4 to 5 आवर का इसका बैटरी बैकअप आपको इसमें मिल जाता है। सो गाइस, चलिए अब देखते हैं लैपटॉप को। सो लैपटॉप आप देख सकते हैं सिल्वर कलर का है, फाइबर बॉडी में है, ये आपका कलर इसका सिल्वर है और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बढ़िया इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाता है। मेटल बॉडी नहीं है, ये फाइबर बॉडी में है और इसका बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं, मच बेटर बिल्ड क्वालिटी इसमें आपको मिल जाता है। सो गाइस, यहाँ पे इसका ओवरऑल लुक देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का इसका लुक है। इसमें जो आपको मिलता है इंटेल का कोर i5 का प्रोसेसर इसमें आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे इंटेल का कोर i5 का प्रोसेसर का यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है, 11th जनरेशन इसमें है। साथ ही यहाँ पे होम एंड स्टूडेंट मिल जाता है, साथ में यहाँ पे आपको आयरिस एक्सी का ग्राफिक्स मिल जाता है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इसमें आपका आयरिस एक्सी मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको फाइबर बॉडी देखने को मिलता है। अगर टच पैड की बात करें तो डुअल गेस्चर टच पैड इसमें मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको HP का टोल फ्री नंबर मिल जाता है। यहाँ पे आपको अगर मैं इसकी कीबोर्ड की बात करूँ तो इसमें आपको चॉकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है जो कि वाटर रेजिस्टेंट है। इसमें बैकलाइट नहीं मिलता आपको और फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है साइड में, यहाँ पे आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं स्पीकर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्रंट स्पीकर जो है इसमें मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको फ्रंट स्पीकर भी मिल जाता है। सो यहाँ पे जो है नीचे साइड में आपको बेजल्स देखने को मिलता है, साथ ही यहाँ पे आपका HP का ब्रांडिंग यानी लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं HP का लोगो मिल जाता है। इसमें आपका नैरो बेजल डिस्प्ले मिलता है, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत कम बेजल्स देखने को मिलता है साइड में। और यहाँ पे अगर कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 720 का HD कैमरा मिल जाता है और डुअल माइक के साथ है, 15.6 स्क्रीन साइज है जिसका फुल HD रेजोल्यूशन है और एंटी ग्लेयर के साथ इसमें आपको मिल जाता है। सो अगर पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक HDMI पोर्ट्स मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे एक C-टाइप मिल जाता है और यहाँ पे आपको ऑडियो माइक और ऑडियो और मैक का दोनों जैक मिल जाता है और उसके बगल में आपको कार्ड रीडर HD कार्ड लगाने के लिए मिल जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इसका लुक देखने को मिलता है, लाइट एंड थिन है। यहाँ पे आपको 2 USB मिल जाता है, साथ में उसके बगल में आपका चार्जिंग का पिन मिल जाता है, यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे पीछे से कुछ इस टाइप से आपको लुक देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको पीछे से कुछ इस टाइप से लुक देखने को मिल जाता है।
सो गाइस चलिए पीछे में देख लेते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहला मॉडल मिल जाता है FQ 2076 TU, इसका मॉडल है 15S इसका मॉडल है। साथ ही यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिल जाता है, यहाँ पे आपको विंडोज़ 11 का स्टिकर मिल जाता है और यहाँ पे एक बड़ा सा फ़ैन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्रिपिंग के लिए दो रबर का ग्रिपिंग मिल जाता है। सो गाइस अगर ओवरऑल इसकी बात करें परफॉर्मेंस की, तो इसमें बढ़िया इसका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है। अगर वेट की बात करें तो इसमें आपका 1.6 kg का अप्रॉक्स इसमें आपका वेट है। सिल्वर कलर का है, साइड से कुछ इस टाइप से आपको लुक देखने को मिल जाता है। अगर इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स ये 57-56 में इसका मार्केट प्राइस है। ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाता है। इसमें आपको एक साल का वारंटी मिल जाता है, जो कि इसमें आपको होम सर्विस मिल जाता है, यानी कि आपको घर पे भी इसका सर्विस मिल जाता है और आप सर्विस सेंटर भी इसे ले जा सकते हैं। साथ में अगर इसकी बात करें अपग्रेड करने का, तो इसमें आप रैम 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें 3200 MHz का रैम जो है आप अपग्रेड कर सकते हैं 32 GB तक। साथ ही इसमें SSD है 512 GB NVMe, जो कि 1 TB तक अपग्रेडेबल है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपका कितना स्पेस मिल जाता है अवेलेबल। साथ में अगर इसकी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर है, 2.4 बेस क्लॉक स्पीड है, 2400 MHz पे अभी चल रहा है। इसमें 8 GB रैम है, 3200 MHz का रैम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 32 MHz का इसमें आपका 3200 MHz का रैम है, DDR4 इसमें आपका जो है रैम इसमें मिल जाता है। अगर स्टोरेज की बात करें तो NVMe का SSD इसमें है 512 GB और 1 TB तक अपग्रेडेबल है, आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं। 476 का अप्रॉक्स इसमें आपको अवेलेबल मिल जाता है। सो गाइस ये लैपटॉप जो है बढ़िया है, 2021 का ये रिसेंटली लॉन्च है। अगर आपका अप्रॉक्स बजट 55 का बजट है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। एक बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपको मिल जाता है। HP का जो है ये एक साल का इसमें आपको वारंटी मिलता है और ये होम सर्विस इसमें आपको मिल जाता है। रैम वगैरह अपग्रेडेबल है, 2021 का ये रिसेंटली लॉन्च लैपटॉप है। बहुत ही बेस्ट इसमें कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, कलर इसमें आपको सिल्वर मिल जाता है, बैकलाइट नहीं मिलता है, फिंगरप्रिंट इसमें नहीं मिलता है, बाकी ओवरऑल सारा चीज़ का बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपको मिल जाता है। साथ ही इसमें आपका आयरिस ग्राफिक्स मिल जाता है, जो कि अप्रॉक्स 330MX का कंपेरिजन का आता है, यानी कि अगर आपको एक कोडिंग के लिए लेना चाह रहे हैं या एक नॉर्मल स्टडी पर्पज से लेना चाह रहे हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन दे देता है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इसका लुक है। ओवरऑल नीचे से आप देख लीजिए, कुछ इस टाइप से इसका लुक देखने को मिलता है। सिल्वर कलर में आता है, अप्रॉक्स 56-55 का अप्रॉक्स इसका मार्केट प्राइस है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह ये मिल जाता है, इजी में अवेलेबल है। सो एवरीवन थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा बना पाएँ और आपको नया नया मॉडल का अनबॉक्सिंग कर पाएँ और आपको दिखा पाएँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। अगर आपको परचेज करना है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।